Hey guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about abruptio placenta, which is second type of antepartum hemorrhage. The first type is discussed in previous videos, so please don't forget to watch it as well. So let's get started. So the definition is, it is the one form of antepartum hemorrhage where the bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta after 28th week of gestation and before the birth of the baby. तो क्या होता है एंटीपार्टम हैमरेज में ब्लीडिंग होती है. क्यों हो रही है ब्लीडिंग? क्योंकि हैमरेज है तो ब्लीडिंग तो होगी. तो ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा. मतलब प्लेसेंटा को कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है. इम्प्लांट भी गुड हुआ हुआ है. मतलब जो उसकी इम्प्लांटेशन है वो भी प्रॉपर है. बट क्या टाइम से पहले सेपरेट हो रहा है, मतलब थर्ड स्टेज तक तो पहुँचा ही नहीं है अभी. मतलब अभी डिलीवरी भी कंडक्ट नहीं हुई थी, बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही सेपरेट हो गया प्लेसेंटा आफ्टर 28th वीक ऑफ जेस्टेशन. मतलब क्या 28th वीक जेस्टेशन हो गए थे, उसके बाद क्या 7 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाना, ठीक है, थ्रू सर्वाइकल कैनाल. किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है? क्योंकि प्री मैच्योर सेपरेशन हो गया प्लेसेंटा का, उसे हम बोलते हैं एब्रप्टो प्लेसेंटा. सो ये थी डेफिनेशन. क्या होता है एब्रप्टो प्लेसेंटा? जब ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाए प्री मैच्योर सेपरेशन होने की वजह से प्लेसेंटा की, ठीक है. 28th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद होगा ये, ठीक है. 28th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद हो रहा है और बेबी का भी बर्थ भी नहीं हुआ. उससे पहले क्या बेबी का बर्थ नहीं हुआ बट प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, तो ब्लीडिंग होनी स्टार्ट होगी, उसे हम बोलेंगे एब्रप्टो प्लेसेंटा. तो उसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्सड. तो वन बाय वन पढ़ते हैं इनको. सो फर्स्ट इज रिवील्ड. रिवील्ड क्या कॉमन टाइप है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही कॉमन रहती है APH में. इसमें क्या होता है, फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा द ब्लड इंसिनुएट्स डाउनवर्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन्स एंड द डेसिडुआ. तो इसमें क्या हुआ, जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया पहले 28th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद क्या प्लेसेंटा सेपरेट हो गया और ब्लड क्या इंसिनुएट होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ इंसिनुएट होना स्टार्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन्स और डेसिडुआ के बिटवीन में, ठीक है. अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा सर्विकल कैनाल से, ठीक है. ब्लड कम्स आउट थ्रू सर्विकल कैनाल टू बी विजिबल एक्सटर्नली, ठीक है. सबसे कॉमन टाइप है रिवील्ड. इसके नाम से याद रखेंगे कि इसमें ब्लड क्या बाहर रिवील हो रहा है, बाहर पता चल जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा ब्लड जब सर्विकल कैनाल से बाहर आएगा भी एब्रप्टो प्लेसेंटा हो चुका है लेडी को. कॉमनेस्ट टाइप है ये, ठीक है. सेकेंड है कंसील्ड. रेयर टाइप है ये. इसमें ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेट प्लेसेंटा और कलेक्टेड इन बिटवीन मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ. तो कंसील्ड क्या है, ये रेयर टाइप है. बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कंसील्ड एब्रप्टो प्लेसेंटा हो लेडी को. इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया टाइम से पहले और कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड सेपरेटेड प्लेसेंटा के पीछे, ठीक है. मतलब बाहर नहीं ब्लड आया, सेपरेट हो गया और जो ब्लड वहाँ से निकला वो प्लेसेंटा के पीछे ही कलेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, या फिर जो मेम्ब्रेन्स है डेसिडो है, ठीक है, उसके अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया एंड दिस ब्लड इज़ नॉट विजिबल आउटसाइड. तो इन दोनों को ऐसे मैंने इसलिए टाइप करा हुआ है क्योंकि रिवील्ड कंसील्ड में आपको क्लियरली डिफरेंस पता चले. रिवील्ड में क्या ब्लड विजिबल होगा एक्सटर्नली, कंसील्ड में विजिबल नहीं होगा. ये कॉमन टाइप है, ये रेयर टाइप है. इसमें क्या ब्लड बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा, इंसिनुएट करते हुए डाउनवर्ड की तरफ मेम्ब्रेन्स एंड मेम्ब्रा को क्रॉस करते हुए, मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ को क्रॉस करते हुए. कंसील्ड में क्या होगा, जो सेपरेटेड प्लेसेंटा से ब्लड निकला वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन्स एंड डेसिडुआ के अंदर ही, ठीक है, या फिर प्लेसेंटा की बैक साइड पर, जिसकी वजह से क्या है वो बाहर हमें विजुअलाइज नहीं हो पा रहा. इसे बोलते हैं हम कंसील्ड. तो ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर होगा. जैसे ये रिवील टाइप है, रिवील टाइप में मतलब बाहर से रिवील हो रहा है ब्लड. तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा दिखाया, ये यहाँ पर लिखी हुई है हैमरेज हो रही है, ठीक है. प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, हैमरेज होने स्टार्ट हुई, तो यहाँ से क्रॉस करते हुए सर्विक्स से ये ब्लड बाहर आ रहा है, ब्लीडिंग बाहर हमें विजुअलाइज होगी. कंसील्ड में क्या है, कंसील्ड ब्लीडिंग हो रही है. ये कंसील्ड हैमरेज दिखा दी, ये प्लेसेंटा पीछे है, ठीक है, ये रहा प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड है ये, पीछे सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे तो ब्लीडिंग हो गया बट वो पीछे ही कंसील्ड हुआ हुआ है, बाहर हमें कुछ विजुअलाइज नहीं हो रहा है सर्विक्स से, ठीक है. तो इसे बोलते हैं कंसील्ड एब्रप्टो प्लेसेंटा. थर्ड टाइप है मिक्सड एब्रप्टो प्लेसेंटा. इन दिस टाइप सम पार्ट ऑफ ब्लड कलेक्ट्स इनसाइड, मतलब कंसील्ड है एंड अ पार्ट इज एक्सपर्ल्ड आउट. तो मिक्सड है ये, मिक्सड है मतलब दोनों होंगे, कंसील्ड एंड रिवील्ड दोनों टाइप्स हैं इसमें. इस पर कुछ पार्ट तो
पीछे ही रह जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर ही कंसील्ड हो रहा है, और कुछ एक्सपर्ड आउट हो जाएगा, रिवील्ड होगा, मतलब दोनों ही इसमें प्रेजेंट है, तो इसको हम मिक्स टाइप इसीलिए बोलते हैं। यूजुअली वन वराइटी प्री डोमिनेट्स ओवर द अदर, दिस इज़ क्वाइट कॉमन। मतलब इसका क्या है कि दोनों में से एक टाइप क्या ज़्यादा कॉमन होगी, या तो कंसील्ड होगा या ज़्यादातर ब्लड क्या पीछे ही रहेगा, थोड़ा बहुत बाहर आया, या फिर रिवील्ड होगा, ज़्यादा ब्लड बाहर आया और थोड़ा बहुत ही अंदर कंसील्ड हुआ है, तो दोनों में से एक टाइप क्या है प्रीडोमिनेट होगी। तो ये थ्री टाइप्स थे। उसके बाद इसके कॉजेस क्या है, एग्जैक्ट कॉज इसका अननोन है, बट सेवरल फैक्टर्स के इसके कंसीडर्ड किए जाते हैं अभी क्यों एब्डक्टिव प्लेसेंटा हो रहा है। फर्स्ट है स्पाज्म आना यूट्राइन वेसल्स में, यूट्राइन वेसल्स में स्पाज्म आ रहा है, माल न्यूट्रिशन है अगर मदर, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर जो शॉर्ट कॉर्ड है अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी ट्रैक्शन की गई जिसकी वजह से क्या है एब्रप्ट प्लेसेंटा कर हुआ, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया। साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे, तो स्मॉल से मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्राइट डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग होगी। तो वजाइनल ब्लीडिंग सबसे कॉमन है क्योंकि हम एब्रप्ट प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं, एंटीपार्टम हैमरेज, तो हैमरेज में ब्लीडिंग तो होगी, तो स्मॉल से मॉडरेट अमाउंट होती है ब्लीडिंग की, ब्राइट या फिर डार्क रेड कलर होगा। एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगी मदर को, यूट्रस में टेंडरनेस होगी, और जो यूट्रस का साइज है वो इंक्रीज होगा, पर्टिकुलरली कंसील्ड में साइज को इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्लड बाहर रिवील नहीं हो रहा है, और यूट्रस जो है फेलियर होगा उसका रिलैक्स होने में, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में फीटल हार्ट साउंड है वो एब्सेंट होंगी। इसके बाद है इसकी ग्रेडिंग, थ्री ग्रेड्स करे हुए हैं एब्रप्टिव प्लेसेंटा के, ग्रेड वन, ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री। तो ग्रेड वन में बेसिकली क्या होता है, जो इसमें ब्लीडिंग होती है बहुत माइल्ड से होती है, माइल्ड टाइप ऑफ ब्लीडिंग होगी इसमें, और जो यूट्रस है इरिटेबल भी होगा, और टेंडरनेस या तो प्रेजेंट होगी या नहीं भी होगी। तो ग्रेड वन में क्या है, माइल्ड, बहुत स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग होगी, राइट। उसके बाद ग्रेड टू में माइल्ड से मॉडरेट ब्लीडिंग होगी, और क्या यूट्रस टेंडर भी होगा, और जो मैटरनल पल्स है वो इंक्रीज होगी, और शॉक में भी, शॉक इज एब्सेंट, और फीटल डिस्ट्रेस और फीटल डेथ भी हो सकती है इसमें। तो ग्रेड थ्री में क्या है, ग्रेड थ्री में ब्लीडिंग मॉडरेट से सीवियर जाएगी, ठीक है, मॉडरेट से सीवियर जा रही है, बेसिकली कंसील टाइप ये ज़्यादा ग्रेड थ्री में अकर होता है। उसके बाद यूट्रस के टेंडर होगा, शॉक भी हो सकता है मदर को, फीटल डेथ तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये ग्रेड थ्री बताए, बेसिकली ग्रेड्स क्यों दिए इन्होंने, ताकि हम एनालाइज कर पाएँ कि किस टाइप ऑफ का एब्रप्टिव प्लेसेंटा हो रहा है। ग्रेड वन में बहुत ही स्लाइट है, ग्रेड टू में माइल्ड से मॉडरेट है, और ग्रेड थ्री में मॉडरेट से सीवियर है वजाइनल ब्लीडिंग। फिर इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हमें विजुअलाइज हो जाएगा अभी कौन से टाइप ऑफ एब्रप्टिव प्लेसेंटा है, क्यों ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हुई है, और रीनल फंक्शनल टेस्ट करवा सकते हैं, और एमआरआई। उसके बाद मैनेजमेंट क्या करेंगे एब्रप्टिव प्लेसेंटा में, सबसे पहले फ्लूड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट करेंगे क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है, और उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी है वजाइनल डिलीवरी तब कराएंगे अगर ब्लीडिंग बहुत मिनिमल है और मदर की कंडीशन स्टेबल है और जो लेबर है वो प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जा रही है, प्रोग्रेस हो रही है, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का वो पेल्विस में ही है, तो इसमें ये वाली डिलीवरी अपनी अप्रोप्रिएट रहेगी। फिर सर्जेरियन डिलीवरी कब कराएंगे, जब हैमरेज ज़्यादा सीवियर है, फीटल की हार्ट टोन्स प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विस में नहीं है, और सर्विक्स क्लोज्ड है, मतलब क्या है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सर्विक्स डायलेटेड नहीं है, तब हम सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीपार्टम हेमरेज। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।